सत श्री अकाल जी, पंजाब टुडे देख रहे दर्शकों का स्वागत है प्रोग्राम इतिहास की गल दे विच। अज दे दिन चीन ने इंग्लैंड नू लीज उत्ते दिता सी होंगकोंग। अज ही दे दिन 9 जून 1898 नू चीन ने होंगकोंग नू इंग्लैंड कोल 99 साल की लीज उत्ते दे दिता सी। यह लीज एग्रीमेंट बरतानिया की राणी महाराणी विक्टोरिया की देख रेख हेठ होया सी, जदों चीन ने बरतानिया तो ट्रेड जंगा हार लई सी। होंगकोंग चीन का हिस्सा 243 BC बनया सी, जदों चीन की किन डेंसिटी भाव विच आनी शुरू हुई सी। फिर इस तो बाद लगातार 2000 साल होंगकोंग चीन के कंट्रोल के हेठ ही रहा सी। 1842 बरतानिया के कब्जे के हेठ आन कारण इसनू ब्रिटिश होंगकोंग भी कहन लग पए सन। 19वीं सदी के बरतानिया एक दुनिया की वड्डी ताकत सी। बरतानिया चीन की चाह और अफीम का वपार करना चाहती सी, पर उस समय चीन उत्ते राज कर रही किंग डायनेसिटी चीनी चाह के बदले बरतानिया का बनिया होया कुछ नहीं लेना चाहते सन। किंग डायनेसिटी चाहती सी कि बरतानिया उन्हां दी चाह बदले उन्हां नू सोने जां चांदी दा भा देवे। बरतानिया की महाराणी विक्टोरिया अपने देश के सोने अते चांदी दे रिजर्व चाह उत्ते नहीं खर्चना चाहते सन। इस कारण बरतानिया ने चाह अते अफीम नू दबके नाल अपने कब्जे वाले भारत तो चीन नू एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिता। इत्थे ओह अफीम दे बदले चाह खरीदन लग पए सन। चीन नू बाहरली ताकत वल्लों अपने देश विच नशे एक्सपोर्ट हुंदे बर्दाश्त नहीं हो रहे सन। बरतानिया भी अफीम नू कोई ज़्यादा नशा नहीं समझता सी, बल्कि उन्हां लई तां ओह एक दवाई ही सी। दूजे पासे चीन अफीम दे नशे कारण बुरी तरह पछड़ रहा सी। उन्हां दीआं फौजां भी अफीम दे नशे दीआं आदि हो चुकियां सन। चीन दी किंग सरकार ने देखिया कि अफीम दे इंपोर्ट उत्ते पाबंदी लाउण नाल कोई फर्क नहीं पै रहा है, क्योंकि बरतानिया दे वपारी अफीम नू चीन दे विच समगल कर रहे सन। 1839 चीनी अधिकारियों ने अफीम दे 20,000 कंटेनर नू तबाह कर दिता सी। उन्हां दी इस कारवाई ने बरतानिया नू चीन उत्ते जंग शुरू करन दा अधिकार दे दिता सी। इस तो बाद चीन अते बरतानिया दरमियान पहली ओपीएम जंग शुरू हुई अते बरतानिया ने होंगकोंग दे उत्ते कब्जा जमा लिया। चीन दे इस जंग हारन तो बाद चीन ने ब्रिटेनिया नाल नैंकिंग दी संधि की, जिसके तहत होंगकोंग नू बरतानिया दी कॉलोनी बना दिता गया। नैंकिंग दे संधि होण तो बाद भी बरतानिया वल्लों अफीम दी समगलिंग नहीं रुकी, जिस कारण दूजी ओपीएम जंग शुरू हुई। इस विच भी बरतानिया जेतू होया। 9 जून 1898 नू बरतानिया वल्लों होंगकोंग दे पोर्ट नू सुरक्षित करन लई चीन नाल एक संधि की गई, जिस तो बाद होंगकोंग दी लीज बरतानिया नू दे दित्ती गई। इस लीज देण दा एक होर कारण पहली चीनी जापानी जंग सी, जिस विच चीन हार कारण कमज़ोर हो चुकिया सी। होंगकोंग दे उत्ते 99 साल दी लीज होण तो बाद भी बरतानिया दे कई विदेशी ताकतां ने जोर पाया कि होंगकोंग चीन नू वापस कर दिता जाना चाहीदा है। 1941 जापान ने होंगकोंग उत्ते हमला कर दिता। उस समय अमरीका दे राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने बरतानिया दे प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल नू होंगकोंग चीन नू वापस करन दी गुजारिश कीती, क्योंकि चीन ने दूजी विश्व जंग विच अमरीका दी हमायत कीती सी। विंस्टन चर्चिल ने इस गल नू मना कर दिता। 1 जुलाई 1997 नू इह लीज दा खात्मा होया अते बरतानिया दी सरकार ने होंगकोंग नू वापस चीन नू कर दिता सी। पर इस समय होंगकोंग दे लोग ए नहीं चाहुंदे सन कि ओह चीन दा हिस्सा बनन, क्योंकि चीन एक कम्युनिस्ट देश सी अते होंगकोंग विच लोकतंत्र चलदा सी। इस लीज दे खात्मे तो बाद ए वी दस्तखत होए सन कि होंगकोंग दे चल रहे लोकतंत्र दे सिस्टम नू नहीं बदलिया जावेगा। पर बीते वरे चीन वल्लों पास किए गए कुछ कानून अजिहे सन जो होंगकोंग दे लोकां नू पसंद नहीं सन। इन्हां विचों एक कानून ए सी कि होंगकोंग दे नागरिक नू किसे जुर्म दे अधीन चीन दी किसे भी जेल विच रखिया जा सकदा है, पर ए होंगकोंग दे लोकां नू नामंजूर सी अते बहुत सारे प्रदर्शन भी इस गल कारण होए। हाले भी अजिहे प्रदर्शन होंगकोंग विच हो रहे हैं।